धरती और चांद लाखों सालों से साथ रहे हैं। देखा जाए तो धरती के लिए और धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए चांद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रात के समय पर चांद की वजह से ही धरती पर अंधकार नहीं होता। अगर धरती के पास चांद नहीं होता तो रात में हमें आसमान सिर्फ काला ही दिखता, और अगर चांद ना होता तो चंद्रग्रहण जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट ना करती। नासा के मुताबिक हमारे चांद का जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ। मंगल ग्रह से भी बड़ा एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से आकर टकरा गया, जिसकी वजह से धरती के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए, और फिर जब ये चक्कर लगाने लगे धरती का तो इन्हीं कणों में टकराव हुआ, और इन्हीं टकराव की वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। अब ये तो बात हो गई चांद के निर्माण की, लेकिन इसी बीच हम लोगों के मन में एक सवाल और उठता है कि अगर धरती के पास दो चांद होते तो क्या होता? धरती पर दो चांद होने की वजह से इंसानी सभ्यता पर क्या असर पड़ता? आज की इस वीडियो के अंदर आपके इस सवाल का जवाब मौजूद है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे ऐसा पॉसिबल है कि आज से अरबों साल पहले धरती के दो चांद हुआ करते थे? कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी और रिसर्च के बाद ये बताया है कि आज से अरबों साल पहले धरती के दो चांद हुआ करते थे। उसके बाद दोनों में ही टकराव हुआ और एक चांद का निर्माण हुआ, जिसके बाद धरती पर नई जिंदगी की शुरुआत हुई। वैसे अगर आपको लगता है कि हमारा चांद ही हमारी धरती का चक्कर लगाता है तो आप गलत हो। दरअसल एक एस्ट्रॉइड भी हमारी धरती का चक्कर लगाता है जो कि हमारी धरती से दूर है। हमारे सौर मंडल में शनि और मंगल ग्रह के भी दो चांद हैं, लेकिन ये चांद की ग्रेविटी और आकार पर डिपेंड करता है कि वह ग्रह पर कैसा प्रभाव डालेंगे। और अगर हम इस चीज की कल्पना कर रहे हैं कि हमारी धरती के भी दो चांद हैं, तो उस पर भी यही नियम लागू होता है। लेकिन हम अगर ऐसा मान लें कि हमारी धरती के दो चांद हैं, जिनका साइज भी एकदम सेम है और वेट भी एकदम सेम है, दोनों दिखने में भी एकदम सेम हैं, तो होगा कुछ ऐसा कि एक चांद हमारी धरती के करीब होगा और दूसरा चांद हमारी धरती से दूर होगा, और ये दोनों चांद ही अपोजिट साइड में धरती का चक्कर लगाएंगे। मून की ग्रेविटी की वजह से धरती पर खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें समुद्रों में ज्वार भाटा देखने को मिलती है। लेकिन वहीं हमारी धरती पर जब दो चांद होंगे तो ज्यादा खिंचाव होगा, जिसकी वजह से ज्वार भाटा भी बहुत बढ़ जाएंगी। ज्वार भाटाएं बहुत विशाल उठने लगेंगी और इनमें 8% तक की बढ़ोतरी होगी। ये लहरें इतनी बड़ी होंगी कि आज से पहले हमने इतनी बड़ी लहरों को कभी नहीं देखा होगा। और दो चांद के गुरुत्वाकर्षण के चलते धरती पर ज्यादा भूकंप आने लगेंगे, और धरती पर मौजूद सभी वॉल्केनोज और ज्यादा तेजी से फटने लगेंगे, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद सारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। बड़ी लहरों के उठने की वजह से तट पर बसे सारे ही शहर डूब जाएंगे, जिसके चलते न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ तक कि लंदन भी डूब जाएंगे, और भारत के भी कई शहर तहस नहस हो जाएंगे इन लहरों के चलते, जैसे मुंबई और गोवा। यहाँ पर सारी इमारतें एक बार में ही। इस सुनामी के चलते दुनिया के कई सारे देश, इंडिया के कई सारे तटीय इलाके तो डूब ही जाएंगे, लेकिन खराब मौसम के चलते धरती पर बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, और ये जो आपदाएं हैं वो लगातार चलती ही रहेंगी। और इतना ही नहीं, जो आसमान में उड़ने वाले जीव होते हैं और समुद्री जीव होते हैं, वो लोग चांद को देखकर ही अपना रास्ता तय करते हैं और रहने योग्य नए इलाकों की खोज करते हैं। लेकिन दो चांद होने की वजह से ये सारे जीव भटक जाएंगे और अलग होकर नई जगहों पर पहुंच जाएंगे। और अगर सच में हमारी धरती पर दो चांद होते भी, तो इन समुद्र जीव और आसमान में उड़ने वाले सभी जीवों का विकास कुछ इस तरह से होना चाहिए था
कि ये लोग छोटी सी बड़ी लहरों में भी आसानी से खुद को जीवित रख सकें और दो चांद के होने के बाद भी ये लोग आसानी से अपना रास्ता ढूंढ सकें। और अगर इतनी मुश्किलों के बाद भी धरती पर जीवन बचा रहा और इतनी मुश्किलों में भी हमने जीना सीख लिया, तो हम आसमान में कुछ इस तरह के अद्भुत दृश्य को देखेंगे जहाँ पर दो चांद मौजूद होंगे। इस समय जो चांद हमारी धरती से दूर होगा वो थोड़ा छोटा दिखाई देगा और जो हमारी धरती से पास होगा वो हमें छोटे चांद के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ये नज़ारा इतना इंटरेस्टिंग होगा कि रात के समय में शायद ही धरती पर अंधेरा हो। ये दोनों ही चांद लाखों सालों तक धरती के ऑर्बिट में रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोनों के एक जैसा होने की वजह से ये हमारी धरती के करीब आने लगेंगे, जिसकी वजह से ये हमारी धरती से टकरा जाएंगे और धरती पर शायद ही जीवन बचेगा। और अगर ऐसा नहीं होता और ऐसे ही दोनों चांद हमेशा ही ऑर्बिट करते रहते हैं, हमसे दूर वाला चांद हमसे दूर जाने लगेगा और एक टाइम पर आकर हमारे पास वाले चांद से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों ही चांद की टकराव से मीटियोराइट्स धरती पर गिरने लगेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। दोनों ही चांद के टकराव की वजह से एक चांद का निर्माण होगा और धरती भी पहली जैसी हो जाएगी लाखों सालों बाद, और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होगी धरती पर। वैसे हम सबको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक कल्पना है। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।